दोस्तों नमस्कार, मैं अलवर की जो पानी की समस्या है, हमारे दोस्तों अलवर में पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि अब बोर खुदाई करें तो भी पानी नहीं है ज़मीन के अंदर। तो कुछ गांवों की हालत तो दोस्तों ये है कि वो पाइपलाइन लगभग अपने गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पे से बिछाई गई है, और बीच में दोस्तों देखो पहाड़ भी आते हैं, तो पहाड़ों के ऊपर से भी पाइपलाइन दी गई है। तो हमारे दोस्तों अलवर के किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए देखो दोस्तों मतलब बोर भी लगभग अपने गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पे खुदाना पड़ रहा है, और वहां से पाइपलाइन ली गई है। आप ये सोच सकते हो कि हमारे अलवर के किसानों को कितना खर्चा बैठता होगा। और ये तो पानी के हालात ये हो चुके हैं दोस्तों, और ये मेरे सामने दोस्तों पाइपलाइन है, और ये जो जगह है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये लगभग चूड़सीधा है, इसको चूड़सीधा हमारा यहाँ से बोर किया हुआ है एक किसान ने। वैसे तो लगभग 30-40 बोर किए हुए हैं, यहाँ से 10-10 किलोमीटर की दूरी पे पाइपलाइन बिछाई गई है, और मैं आगे का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये पाइपलाइन देखो नीचे से आई हुई है, और कम से कम यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूरी पर गई हुई है ये, और ये इस टाइम मैं पहाड़ की चोटी पर हूँ जो मैं आपको दिखाई रहा हूँ। सामने चारों तरफ पहाड़ है, ये दोस्तों हमारे चूड़सीध के पहाड़ है। थोड़ा सा पानी का यहाँ पर स्तर ऊँचा है, तो अपने गांव में पानी नहीं होने कारण दोस्तों पानी की खुदाई यहाँ से की जाती है, और यहीं से पाइपलाइन करके लगभग यहाँ से 10-20 गांव इस तरह ही है यहाँ पर कर रहे हैं पाइपलाइन की सुविधा। पाँच सात गांव है ना, पाँच छः गांव यहाँ से पानी की वो कर रहे हैं, सप्लाई ले रहे हैं, मतलब पाइपलाइन डाल के इसी से खेती बाड़ी कर रहे हैं। और आने वाले टाइम तो देखो दोस्तों क्या हालात हो गए, जो 10 से 15 लाख के बीच का खर्चा भी बैठ रहा है। तो क्या ऐसा अगर अलवर में कोई नदी या नहर की सुविधा नहीं हुई तो ये आने वाला टाइम और भी, और क्या 1-2 बीघा वाला किसान ये कर पाएगा क्या? क्योंकि हर किसान के लिए ये तो नहीं है कि 15-15 लाख रुपए खर्च करना आसान है। अगर कोई नदी या नहर की सुविधा अलवर में नहीं हो तो अलवर में 2-4 सालों में खेती बाड़ी करना बंद हो जाएगा दोस्तों।